एक बड़ी सुंदर कथा विनीत जी महाराज ने गाई। गाजीपुर में एक गांव है गया घाट, वहां पे एक किसान के चार पुत्र थे, उसमें सबसे छोटा पुत्र वो एक नंबर का आलसी, आलसी पर खाए भी खूब, खाए कितना थोड़ा बहुत नहीं, ढाई शेर एक समय का, और जब ज्यादा खाए तो जहां खाए वहीं लुढ़क जाए महाराज, और क्या करें, और इसलिए उसका नाम रख दिया अढ़ैया। क्या रखा? अढ़ैया, नाम उसका अढ़ैया रख दिया। और जब तक किसान पिता जीवित थे तब तो ढाई शेर उसको समय पे मिलता रहता, लेकिन जैसे ही पिता संसार से विदा हुए अब तो उस अढ़ैया के ऊपर महाराज विपत्ति का पाड़ ही गिर पड़ा। भाइयों ने कहा, भाई ऐसे पड़े पड़े खाओगे तो कोई नहीं खिलाएगा, या तो काम करो और नहीं तो घर से बाहर निकलो। अब काम तो उसे कुछ होता नहीं था, घर से निकाल दिया, घर से निकला, गांव से कुछ बाहर निकला तो नदी के किनारे एक अति सुंदर आश्रम। विचार करने लगा कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां बढ़िया खाने को मिल जाए और कोई कुछ कहे ना, भर पेट बस, और क्या चाहिए। वो विचार कर ही रहा था तो उसी समय कुछ संत अंदर से निकले, सभी बड़े हट्टे कट्टे संत होते ही हट्टे कट्टे, आराम से मौज से भजन करें और भोजन करें तो बड़े मस्त तंदुरुस्त। तीन चार संत निकले बाहर घोटम घोट, थोड़ी देर से गुरुजी निकले तो गुरुजी वही की वही स्थिति। तो उसने जाके कहा, वो संत जिनका नाम था ज्ञानदास जी और उनके शिष्य का नाम विज्ञानदास, वेदांत के दोनों प्रखर ज्ञाता, श्रेष्ठ ज्ञाता। उसने अढ़ैया ने जाके कहा कि महाराज आपके इतना चेला है, एक हमको भी चेला बना दो ना। संत ने कहा तुम करोगे क्या? कहा कुछ कर ही नहीं सकता, तभी तो चेला बनने आया हूं, कर हर कुछ नहीं सकता, नहीं भाई कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। एक काम करो, तुम गायों के देखभाल में रह सकते हो कि गायों का गोबर होबर हमसे नहीं उठेगा, साफ सफाई नहीं होगी, हाँ गायें कहीं खड़ी रहेगी एक जगह उनके ध्यान के लिए बैठे रहेंगे। संत जी ने कहा ठीक है चलो यही कर देना। तो कहा महाराज भोजन, संत ने कहा भोजन की चिंता मत करो, भंडारा चलता है। तो कितने समय चलता है? संत ने कहा दो समय। उसने कहा महाराज दो समय से हमारा तो कुछ बनेगा ही नहीं। संत ने कहा चल तुम तीन समय कर लेना, तो भर पेट, हाँ जितना खा सकते हो खाओ। उसने कहा ये तो मौत बन गई, अपने तो क्या करना। अब वो रह गया। संत जी ने कहा कि भाई तुम आज से वैष्णव बन गए हो, इसलिए सुबह शाम पूजा आरती में आया करो और बाकी बढ़िया से भंडारे में प्रसाद पाओ और थोड़ा बहुत गायों को देख लिया करो। अब उसके तो मौज बन गई, वो तो चाहता यही था, कोई घर में तो भोजन करता तो घर वाले सौ सुनाते थे, अब कोई न सुनाए, बढ़िया भंडारा खाएं, थोड़ी देर गायों में जान ध्यान रखें, दोपहर आकर फिर भंडारा खा लें, फिर इधर उधर घूमें, शाम को फिर भंडारा खा लें और फिर। पर उसे क्या पता कि मुसीबत यहां कौन सा पीछा छोड़ने वाली है, यही मुसीबत आएगी, उसको पता ही नहीं था। जैसे ही 10 दिन हुए और आज एकादशी, वो तो सुबह उठ के नहा धो के तैयार हो गया कि कलेवा मिल जाएगा, इधर उधर देखे तो आज तो चूल्हे शांत। उसने पूछा क्या बात है, आज प्रसाद नहीं बन रहा है? तो रसोइया ने कहा आज एकादशी है। मतलब क्या एकादशी है? आज हम वैष्णव हैं, चूल्हा उल्हा नहीं जलेगा, आज कुछ भी नहीं, तो कुछ नहीं बनेगा भंडारी ना, कुछ सचमुच में कुछ नहीं बनेगा कि नहीं कुछ, तो फिर हम कि तुम क्या सभी की एकादशी, तुम भी वैष्णव एकादशी करो। वो दौड़ के गया, जाके कहा महंत जी से, गुरुदेव
आज मंदिर में कुछ बन ही नहीं रहा। संत ने कहा भाई आज एकादशी, एकादशी को प्रसाद थोड़ी बनता, आज तो सब चूल्हे संत। तो कहा भगवान हम तो मर जाएंगे, हम तो भूखे रह ही नहीं सकते। संत ने कहा तुम भूखे नहीं रह सकते, तो हम भूखे नहीं रह सकते। तो संत ने कहा एक काम करो, अगर तुम भूखे नहीं रह सकते तो मंदिर में तो प्रसाद बनेगा नहीं, एक काम करो अब इतना ही अगर तुम्हारा है तो आटा सीधा ले जाओ और नदी के किनारे चले जाओ, जाके वहीं प्रसाद बनाना और प्रसाद पा लेना, मंदिर में नहीं बनेगा, बना लोगे। उसने कहा मरता क्या नहीं करता, सब कर लेंगे, आप दे दो। भंडारी को बुलाया, कहा ये कितना खाता है? कि महाराज ना ही पूछो ही ना, कम से कम 250 ठिकाने लगाता है। तो कैसा करो इसको 250 आटा घी दाल चावल सब दे दो, और कहा देख जाओ रसोई बनाना, लेकिन तुम वैष्णव हो, भगवान का आह्वान करके भगवान को भोग लगा के बाद में प्रसाद पाना। हाँ, वो चला गया, नदी किनारे आया, जैसा बना आलू छोंके दाल बनाई और आटा गोंद के जाडे जाडे बड़े बड़े मोटे मोटे आठ टिकड़ बनाए, टिकड़ विकड़ बनाया, भूख से व्याकुल तो था ही। जैसे ही प्रसाद तैयार हुआ याद आया, अरे गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगा के बाद में प्रसाद पाना। तो भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, कचोरी पूरी सेवक ने न बनाई। मोहन भोग कचोरी पूरी सेवक ने न बनाई। मांग मांग हारा मतन से मैं न पाई। मांग मांग कर हारा मतन से मेवा और मिठाई। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा। आइए मेरे राम, आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्ध आरती या नहीं है मैं मानी। आचमनी अर्ध आरती या नहीं मैं मानी। रुकी सुखी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे,
राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान आए नहीं तो कहने लगा मोहन भोग कचोरी पूरी सेवक ने न बनाई। न तो मेरे पास मोहन भोग है न कचोरी है न पूरी, वो तो मैंने बनाई नहीं। मांग मांग कर हारा मैं तन से, मांग मांग कर हारा महतन से, मेवा और मिठाई राजा राम आइए। हमने तो कुछ बना नहीं पर महंत जी से खूब कहा था कुछ मेवा मिठाई दे दो भगवान के भोग के लिए, पर उन्होंने भी नहीं दी। इसलिए राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी भगवान नहीं आए तो कहने लगा आहा हा पुजारी जी वहां जब भोग लगाते हैं तो आचमनी अर्धा से आरती करते हैं, तो कहने लगा आचमनी अर्धा न आरती या नहीं यहाँ पर यही मेहमान। अब आचमनी समझो अर्धा आरती या जो है वही मेहमानी है। रूखी सूखी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाए। जो रूखा सूखा बना है वो खाओ और हम भी नदी का पानी पिए आप भी पियो। फिर भी भगवान नहीं आए तो अंत में कहने लगा भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सूखे। तुम ये सोचते हो कि मंदिर में मेवा पकवान मिलेंगे, भूल कर रहे हो हम भी वहां से जान बचा के भागे हैं। भूल करोगे जो तज दोगे भोजन रूखे सोके, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे राजा राम आइए मेरे राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। देखिए भगवान इतना कहा नहीं आए लेकिन इसकी एक ये सहज बात को सुन के मेरे प्रभु दर्श द्रवित हो गए। जब उसने ये कहा एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, भूल करोगे जो तद दोगे भोजन रूखे सूखे, इस भोजन को छोड़ दोगे तो बहुत बड़ी भूल करोगे क्योंकि मंदिर में एकादशी है हम भी वहां से जान बचा के भागे, अगर आना है तो आओ। और जो ही ये कहा नवम सरल सब सन चलैना, उसकी सरल बात को सुन के प्रभु तुरंत प्रसन्न हो गए। पर आए अकेले नहीं आए, साथ में सीता जी को लेके आए। अब जैसे ही प्रभु आए वो एक बार तो रोटी को देखें, फिर राम जी को सीता जी को देखें। राम जी ने कहा क्या हुआ? कहने लगा गुरु जी तो कहते थे भगवान एक ही है, तब तुम तो दो आ गए। भगवान ने कहा भाई तुमने बुलाया तो हम एक कैसे आएंगे, हम अपनी घरवाली को तो लेके आएंगे, पत्नी सहित आएंगे। उसने कहा ठीक है हम तो पहले से एक व्यक्ति की तैयारी करके आए थे, अब आ गए हो दो तो बैठो जो भी है पाओ। अब बिठाया भगवान को, परोसा, भगवान ने भी प्रसाद पाया खुद ने भी पाया। पर भगवान से कहने लगा प्रभु हाँ भूखा जरूर रहा हूं पर आप आए आपको देख के आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। पर एक बात है
अब की बार ऐसे ना करना, बुलाऊं तो तुरंत आ जाना, क्योंकि हमसे भूख सहन नहीं होती। भगवान ने कहा ठीक है, पर एक और। राम जी ने कहा क्या, दो ही आओगे ना? राम जी ने कहा होगा तो देखा जाएगा, तुम चिंता मत करो, हम आ जाएंगे। ठीक है। अब वो भी ऐसा भोला सीधा आदमी कि उसने आके न तो मंदिर में मंत जी गुरु जी से कहा, न किसी से कहा, लग गया अपने काम में। धीरे धीरे 15 दिन बीते, फिर दी आई एकादशी, आज फिर चोला चौका बंद। कहा क्यों, क्या बात है? भंडारी ने कहा पता नहीं एकादशी है। ओ मुसीबत आ गई। तो कहा ठीक है, सीधा देने का समय हुआ तो कहा एक काम कीजिए, 1 किलो 1 शेर सीधा बढ़ा के दो। मंडरी ने कहा क्यों? क्योंकि वहां भगवान एक नहीं दो आते हैं, और इसलिए पिछली बार भी रोटी कम पड़ गई, तो एक किलो सीधा बढ़ा के दो, और उस आटे के हिसाब से दाल चावल घी सब बढ़ा के दो। मंडरी ने जाके मन जी से कहा कि ये 1 किलो आटा बढ़ा के कहता है, कहता है भगवान दो आते हैं। मन जी ने कहा कहीं भूखा रहा होगा, दे दो कोई बात नहीं, 1 किलो बढ़ा के दे दो, क्या फर्क पड़ता, दे दो। अब 1 किलो बढ़ा के दिया, आया रसोई बनाई। जैसे ही रसोई बनी, तैयार हुई, तैयार होते ही अब राजा राम नहीं कह रहा, क्या कह रहा, हे सीताराम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब वो गाने लगा, सीता राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। और जो ही गाया तो भगवान आए, पर सीताराम दो नहीं आए, साथ में लखन जी को लेके आए। जैसे ही तीन आए, अब वो फिर रोटी को देखे, फिर उनको देखे, भगवान से कहा ये कौन है? भगवान ने कहा हमारे भाई। अच्छा, आपके सचमुच के भाई हैं? भगवान ने कहा लगता तो नहीं है, न शकल से न स्वभाव से। कैसे भाई? लखन जी मन में सोचने लगे भगवान ही कहां ले आए थे। भगवान ने कहा शकल से स्वभाव से नहीं, पर हम कह रहे हैं हमारे भाई हैं। अच्छा, तो इनको क्यों लाए? भगवान ने कहा हमारे थे तो इनको भी ले आए। तो कहने लगे हमने ठाकुर जी का ठेका ले रखा, कोई ठाकुर जी के खानदान का थोड़ी ले रखा, सभी को ले आओगे, भाई ले आए। राम जी ने कहा भाई अब ले तो आए। तो कहा ठीक है, अब लाए हो तो खिलाएंगे, और तो क्या, बैठो। अब बैठे, परोसा, भगवान ने भोजन किया, उसने भी पाया। फिर भगवान को कहने लगा प्रभु भूखा तो आज भी रहा, लेकिन भूखा भले रहा, आप आते हो, आपको देखता हूं, आपसे बात करता हूं तो अच्छा बहुत लगता है, लेकिन एक बात जान, अब की बार कितने आओगे पहले से कह दो। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे। कहने नहीं, नहीं नहीं, आप पहले बता दो कितने आओगे। भगवान ने कहा तुम निश्चिंत रहो, ठीक है। भगवान गए, मैंने कहा इतना आदमी सरल कि फिर भी गया घर मंदिर, लेकिन जाके नहीं कहा कि ऐसी घटना घटी। दिन बीते, वापस एकादशी आई, भंडारी को कहा कि सामान दो, सामग्री बढ़ा के दो, 1 शेर और आटा बढ़ाओ।
एक नहीं एक और एक्स्ट्रा में, क्या पता पिछली बार तीन आए थे अब की बार चार आ जाए। तो भंडारी ने सोचा ये सात छह सात किलो तो आटा खा नहीं सकता, ये तो पक्का है, और ये बाकी का करता क्या है, कहीं ले जाके बेच तो नहीं रहा। जाके मान जी से कहा कि वो कह रहा है कि छह किलो छह शेर आटा दो, इतना तो वो खा नहीं सकता। मान जी ने कहा इतना तो नहीं खा, तो फिर ये ले जाके करता क्या है, कहीं बेचता तो नहीं, दूक नहीं दू। मान जी ने कहा तुम इसको दे दो, हम पीछा करेंगे कि करता क्या, हम पता लगाएंगे। अब उसको छह शेर आटा दाल चावल घी सब दे दिया। अब वो लेके आया, पर ये भी बड़ा विचित्र भक्त, सामान सब लेके आया, लाके रख दिया पेड़ के नीचे और सो गया, और थोड़ी देर में गाने लगा, हे सीताराम आइए संग लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए सीताराम आइए संग लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, सीताराम आइए संग लक्ष्मण लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गाने लगा राजा राम आइए सीता राम आइए संग लक्ष्मण आइए, मेरे भोजन का भोग लगाए। जैसे ही बुलाया तो देखा राम जी लखन जी सीता जी भरत जी शत्रुघ्न जी और हनुमान जी, पूरा राम परिवार वो बैठा। भगवान आए तो कहा क्या हुआ प्रसाद, उसने कहा प्रसाद बनाया ही नहीं। भगवान ने कहा बनाया नहीं तो हमको काहे को बुलाया, हमने बनाया नहीं इसलिए नहीं बनाया कि पहले बुला के देखें तो सही कितने आते हैं। भगवान ने कहा लो अब आ गए, उसने कहा अब आ गए तो क्या हम काहे को बनाए। भगवान ने कहा क्यों, क्योंकि हमें पता है इतने आए हो तो हमें तो मिलेगा नहीं कुछ, अब जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो बनाए काहे को, ये राज समान बनाओ और पाओ। कहने लगा मोते अब नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाओ, मोते अब नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाओ, अपने बहुत दिवस संग पाए, अपने बहुत दिवस संग पाए, हे मोते नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाओ, मोते नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाओ, मोते अब नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाओ, अब नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाओ, मोते अब नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाओ, मोते अब नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाओ, नेवत आप अकेल प्रथम ही, नेवत आप अकेल प्रथम ही, अर्धांगनी संग लाए भोजन नहीं बनाए, अर्धांगिनी संग लाए भोजन आप
अजहुनी तजो स्वभावियापनो अजहुनी तजो स्वभावियापनो बारी बारी समझाए मोते अब नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाओ मोते अब नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाए। कहने लगा सबसे पहले आप अकेले को निमंत्रण दिया था लेकिन आपने क्या किया अपनी अर्धांगिनी को संग में ले आए। फिर भी हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अपने अपने स्वभाव को त्यागा ही नहीं। अजौन तजो स्वभाव आपनो बार बार समझाए, बार बार आपको समझाया फिर भी आपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ा। और तो और लाजन लगी विनित आन तुम लाजन लगी तो ले परिवार सिधाए हाँ ले परिवार सिधाए नर नारिणी को कौन कहता है नर नारिणी को कौन कहते कि बानर हूँ संग लाए मोते अब बनत नहीं बनाए भोजन मोते अब नहीं बनत बनाए भोजन आप बनाओ। कहने लगा लाजन लगी विनीत आज तुम, आपको लज्जा आई नहीं शर्म आई नहीं, तुम ले परिवार सिधारे पूरा परिवार ले आए। हमने एक ठाकुर जी का ठेका ले रखा, कोई ठाकुर जी के खानदान का तो ले नहीं रखा जो पूरे खानदान को ले आए। अरे और तो और छोड़िए नर नारिन की बात कहें क्या, एक वानर हूं संग लाए वानर को भी ले आए। हमसे नहीं बनेगा, बनाओ और पाओ। लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अब, राम जी ने कहा बनाओ। आहा देखिए भाई भक्त की मर्जी है तो बनाना पड़ेगा। अब वो तो सो रहा है पेड़ के नीचे, भगवान ने जैसे ही आज्ञा की भरत जी भंडारे बनाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे उनके लकड़ी लकन लाल लाने लगे उनके लकड़ी लकन लाल लाने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे भरत जी भंडारे बनाने लगे हे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे हे चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे चुनके लकड़ी लखन लाल लाने लगे। झारते चौका आगे चले पूंछ से हनुमान जी पूंछ से चौके को साफ करें। झारते चौका आगे पूंछ से पीछे हाथों से पोता लगाने लगे पीछे हाथों से पोता लगाने लगे श्री
भरत जी भंडारे बनाने लगे। हे श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। ते चूल्हे उधर और इधर शत्रुघ्न, शत्रुघ्न जी ने चूल्हे जगाए। चेते चूल्हे इधर और उधर शत्रुघ्न और सब मिलके क्या कर रहे हैं, साग भाजी अमनिया बनाने लगे। ओ साग भाजी अमनिया बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। जानकी जी चूल्हे के पास आके रसोई बनाने को बैठी। विनी जी ने कहा, पाके संकेत शक्ति का जत्थे वहां। जो ही जानकी का संकेत पाया तो जत्थे के जत्थे किसके, अष्ट सिद्धि नवनिधि सब आने लगे। अष्ट सिद्धि नवनिधि सब आने लगे। भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। अब जो ही भोजन बन रहा है पर वो भक्त कैसा आंख बंद करके बैठा। भगवान ने कहा, आंख बंद करके क्यों बैठे हो, हम बना रहे हैं, अब तो आंख खोल दो। उसने कहा, खोल के क्या करें, क्यों, क्योंकि हमको कुछ मिलना ही नहीं तो फिर देख के काहे को दुखी हो, देखना ही नहीं। पर फिर भी भगवान ने कहा, थोड़ा देख तो लो। तो जैसे ही आंख खोली और सीता जी को भोजन बनाते देखा तो बड़े बड़े सिद्ध महात्मा योगी कह रहे, माँ हमको भी, माँ हमको भी, माँ हमको भी प्रसाद। वो सोचने लगा, थोड़ा बहुत बच जाता पर अब ये बचने देंगे नहीं। बैठा चुपचाप। गुरुजी पीछा करते हुए आए, देखा वो क्या करता है। ये बैठा पेड़ के नीचे, सामान एक तरफ रखा हुआ। आगे का क्या कर रहे हो, गुरुजी ने कहा, क्या कर रहे हो, आंख खोली। गुरुजी आप क्या यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, चुपचाप बैठे हूं, आपने हमारे पीछे इतने भगवान लगा दिए। आपने तो कहा था एक भगवान आता, देखो एक भगवान ही भगवानों का, देखो ये पूरा का पूरा खानदान आ गया यहाँ पे। तो कहा, कौन भगवान, कैसे भगवान। उसने कहा, ये देखो सभी तो खड़े हैं ये, और ये देखो भोजन बना रहे। संत ने कहा, भोजन बना रहे, सामान तो सब यहां पड़ा। उसने कहा, सामान पड़ा है लेकिन भोजन बन रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा। तो उसने कहा, ये तो और मुसीबत, ये गुरुजी के हमको दिखे ना, ये हमको ये दिखे। तो भगवान से कहा कि आप हमारे गुरुजी को क्यों नहीं दिखते, हमारे गुरुजी तो बहुत बड़े संत हैं, बड़े भजनानंदी, बड़े ज्ञानी हैं। तो भगवान ने कहा, इसलिए हम आपके गुरुजी को नहीं दिखते। उसने कहा, ऐसा मत करो, आप हमारे गुरुजी को दिखो, नहीं तो गुरुजी कहेंगे हम झूठ बोल रहे हैं। भगवान ने कहा, हम आपके गुरुजी को नहीं दिख रहे तो हमको क्यों दिख रहे हो। तो भगवान ने कहा, तुम बहुत सरल हो, तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। ज्ञान प्राप्त कर लिया, विद्वत्ता को उन्होंने पा लिया, लेकिन वो अभी सरल नहीं हुए। तो उसने कहा गुरुजी से, गुरुजी भगवान कह रहे हम तुमको नहीं दिखेंगे। तो कहा, क्यों नहीं दिखेंगे। तो उसने कहा, भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है, इसलिए हम नहीं देखेंगे। जैसे कहा, संत रो पड़े, गिरे और भगवान ने उनको भी दर्शन दिया।
कहने का तात्पर्य यह है कि हमें सरल होना मुश्किल है, अगर हम सरल हो जाएं तो परमात्मा का पाना इतना मुश्किल नहीं है जितना सरल होना मुश्किल है। और सरल व्यक्ति कब हो सकता है कि प्रारंभ में प्रथम से लेके नवम तक, क्योंकि जब जो जीवन में आ चुकी बातें उससे एकदम से सरल होना मुश्किल है, तो सबसे पहले हम कथा को श्रवण करें, संत का संग करें, तो धीरे धीरे जीवन में उस स्थिति पे आप आएंगे, तब आपका जीवन बिल्कुल सरल हो जाएगा। सरल होना ही यही बात है कि सब में ईश्वर को देखना और ईश्वर से अधिक सबको मानना। ध्यान रखें।